तो जी हाँ, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 को पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए। और आज हमारा हमारा यहाँ पे डिस्कशन रहेगा धान की खेती पे, राइस क्रॉप पे। तो देखो यहाँ पे, ये हमने कल पहले लेक्चर में हमने वीट क्रॉप यानी कि गेहूँ की खेती के बारे में पढ़ा था। आज हम यहाँ पे पैडी क्रॉप को पढ़ेंगे यानी कि धान की खेती को पढ़ेंगे। ये हमारे पास ऑफिशियल सिलेबस है LEO का, ठीक है। ये सिलेबस जो यूके ट्रिपल्स ने अपनी वेबसाइट पे निकाला है, इसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर और देखते हैं कि इसमें हमें क्या दे रखा है। चलिए धान के बारे में पढ़ेंगे, धान की खेती किस तरह से भारत में होती है और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट जो भी बनेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले जो धान है, चावल है, उसका बॉटनिकल नेम आता है। तो बॉटनिकल नेम होता है इसका ओराइजस सैटाइवा। क्या होता है? ओराइजस सैटाइवा इसका बॉटनिकल नेम होता है। बात करूं अगर मैं इसकी फैमिली की, तो इसकी फैमिली कौन सी है? इसकी फैमिली होती है पोएसी फैमिली। कौन सी फैमिली होती है? पोएसी फैमिली, या इसे पहले ग्रैमिनी के नाम से जाना जाता है। कौन सी? ग्रैमिनी। जितनी भी अनाज की फसलें हैं, जितनी भी अनाज की क्रॉप हैं यानी सीरियल क्रॉप हैं, वो सभी की सभी पोएसी फैमिली से आती हैं। इसे पोएसी फैमिली, ग्रैमिनी फैमिली या फिर इसे ग्रास फैमिली भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जितनी भी अनाज की फसलें हैं, जैसे चावल हो गई, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, सब किस फैमिली से आती हैं? ये आती हैं ग्रैमिनी फैमिली से आती हैं, पोएसी फैमिली से आती हैं। सेकंड, इसका ओरिजिन प्लेस क्या है? इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है? तो चावल का जो उत्पत्ति स्थान है यानी धान का जो उत्पत्ति स्थान है वो साउथ ईस्ट एशिया। कहाँ? साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया में माना जाता है, जिसे पहले इंडो वर्मा कहा जाता था। क्या बोला जाता था? इंडो वर्मा कहा जाता था, ठीक है। अब ध्यान रखना, वीट का जो ओरिजिन प्लेस है वो साउथ वेस्ट एशिया है, कंफ्यूज मत होना। गेहूं का जो उत्पत्ति स्थान है वो साउथ वेस्ट एशिया है, और इसका राइस का यानी धान का कहाँ है? साउथ ईस्ट एशिया। ठीक बात है। इसका पुष्पक्रम गेहूं में, सॉरी, इसमें धान में जो पुष्पक्रम होता है वो स्पाइक टाइप का होता है। किस तरह का होता है? स्पाइक पुष्पक्रम जो है धान की फसलों में पाया जाता है। ये इसमें देखो, आप धान की फसल देख सकते हैं और इस तरह से इनका इसमें पुष्पक्रम होता है, तो इसको स्पाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइक बोलते हैं। जबकि जो वीट है, वीट में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है, आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। ये मैं आपका वेट करूंगा, आप मुझे कमेंट करो। अगर आपने पहला वीडियो मेरा ध्यान से देखा है तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, देख सकते हैं। बात करते हैं ये किस प्रकार का फ्रूट है, जो धान है हमारा किस प्रकार का फल है। तो देखो, जितने भी अनाज हैं, सभी अनाज, जितने भी सीरियल्स होते हैं, जितने भी अनाज हैं, सभी में जो फ्रूट टाइप होता है वो कौन सा होता है? कैरियोप्सिस होता है। क्या होता है? कैरियोप्सिस होता है। सर क्या होता है कैरियोप्सिस? देखो, इसके हिसाब से दो तरह के फ्रूट होते हैं। एक हम फ्लैशी फ्रूट बोलते हैं, फ्लैशी फ्रूट फ्रूट बोलते हैं, और एक हम बोलते हैं कैरियोप्सिस। तो फ्लैशी फ्रूट वो होते हैं जिनमें जो पेरिकार्प होता है, जो फल भित्ति होती है, जो फल भित्ति होती है उसे हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि आम में आपने देखा होगा, आम को जब हम निकालते हैं तो उसकी बाहरी जो भित्ति होती है उसको निकाल सकते हैं, पेरिकार्प जो होती है, तो उसमें उसका जो आम का जो फल प्रकार है वो फ्लैशी है। जबकि जो कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जिनकी फल भित्ति को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि गेहूँ, गेहूँ की भित्ति को आप बाहरी भित्ति को निकाल नहीं सकते, चावल हो गया यानी धान हो गया, जैसे जौ हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, इनको हम क्या बोलते हैं? ये हमारी कैरियोप्सिस फ्रूट होते हैं। तो जितने भी अनाज होते हैं सब के सब कैरियोप्सिस फ्रूट में ही आते हैं। यहाँ पे इस देख लेना कैरियोप्सिस है। एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर इसके लिए क्या होता है? 25 से लेके 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कैसे याद रखना है? क्योंकि जो ये जो धान है ये हमारी खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है, और खरीफ की फसल हमेशा गर्मियों में बोई जाती है। किस में बोई जाती है? गर्मियों में बोई जाती है, और गर्मियों में टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता है, 30 से लेके 40 डिग्री भी हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि धान के लिए 25 से लेके 32 डिग्री औसत टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात की जाए तो धान में 24 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने
कितने पाए जाते हैं, 24 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये एक डिप्लॉइड प्लांट होता है। कौन सा प्लांट है? डिप्लॉइड यानी द्विगुणित प्लांट होता है, इसलिए इसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n होती है। अगर इसमें बोले n की वैल्यू बताओ तो n की वैल्यू कितनी होगी, 24/2 यानी कि 12। ठीक है, पॉलिनेशन, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। कौन सा होता है? स्वपरागण होता है, जैसे कि वीट में, गेहूं में भी सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। आगे बात करो कि ये प्लांट किस तरह का है, शॉर्ट डे है या लॉन्ग डे है। तो मैंने आपको बताया था प्लांट तीन तरह के होते हैं, एक लॉन्ग डे प्लांट होता है, एक लॉन्ग डे प्लांट होता है, एक शॉर्ट डे प्लांट होता है, एक जो होता है डे न्यूट्रल प्लांट। मतलब ये होता है कि लॉन्ग डे प्लांट होता है जिसको ज़्यादा धूप चाहिए होती है। कैसे धूप चाहिए होती है? ज़्यादा धूप चाहिए होती है, ज़्यादा धूप। इसको शॉर्ट डे प्लांट को कम धूप चाहिए होती है, और इसको चाहे आप ज़्यादा धूप दे दो चाहे कम धूप दे दो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो चावल जो है, क्योंकि ये गर्मियों में उगाया जाता है और गर्मियों में हमेशा हमें धूप से बचना चाहते हैं, इसीलिए जो चावल है ये एक शॉर्ट डे प्लांट है, यानी कि एक शॉर्ट डे प्लांट है। जबकि जो गेहूं होता है, गेहूं सर्दियों में उगाया जाता है और सर्दियों में हमें ज़्यादा धूप की आवश्यकता होती है, इसीलिए गेहूं एक क्या है, लॉन्ग डे प्लांट होता है, यानी ज़्यादा धूप की आवश्यकता होती है। चावल एक खरीफ की फसल है। क्या है? खरीफ की फसल है। मैंने बता दिया आपको क्या है, जितनी भी खरीफ की फसल है सबकी सब शॉर्ट डे प्लांट होती है। ठीक है, खरीफ की फसल को बोया जाता है कब? इनको बोया जाता है कब? मई जून में बोया जाता है। इनको कब बोया जाता है? मई से लेकर जून में इनको बोया जाता है, और अक्टूबर नवंबर में इनको काटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इनका टेस्ट वेट कितना होता है? जो धान है, धान की फसल का जो टेस्ट वेट है वो होता है 24 ग्राम। कितना होता है? 24 ग्राम। ठीक है, और बासमती राइस का होता है 21 ग्राम। तो आपको पूछ लेते हैं कई बार कि धान की जो धान का टेस्ट वेट कितना होता है, तो 24 ग्राम होता है, और बासमती राइस का कितना होता है? 21 ग्राम होता है। कई बुकों में 24 से लेकर 25 ग्राम भी लिखा हुआ, तो देख लेना सही है वो भी। ठीक है, होता क्या है टेस्ट वेट क्या होता है? टेस्ट वेट बोलते हैं 100 दानों का जो भार होता है उसे क्या बोलते हैं? टेस्ट वेट बोलते हैं। धान के लिए यानी 1000 दाने जब मिलते हैं धान के, तो कितना इसका वेट होता है? 24 ग्राम। जबकि गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है? गेहूं का होता है कितना? 40 ग्राम। कितना होता है? 40 ग्राम। और एक होता है टेस्ट इंडेक्स। दोनों में फर्क ये है, देखो टेस्ट इंडेक्स बोलते हैं, टेस्ट इंडेक्स 100 सीड का 100 दानों का भार होता है। क्या होता है? 100 दानों के भार को टेस्ट इंडेक्स कहा जाता है, और 1000 दानों के भार को क्या कहते हैं? टेस्ट वेट बोलते हैं। दोनों में फर्क क्या है? टेस्ट इंडेक्स हमेशा जिनके दाने, जिनके सीड बड़े होते हैं, बड़े सीड के लिए टेस्ट इंडेक्स यूज किया जाता है। जैसे कि ये देखो, राजमा का जो सीड होता है बड़ा होता है, जो चने होते हैं छोले वाले चने उनका दाना बड़ा होता है, उसके लिए टेस्ट इंडेक्स यूज किया जाता है, और छोटे दानों के लिए टेस्ट वेट यूज किया जाता है। सॉरी है, देखो टॉप राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री अगर बोल दे, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चावल कौन सा देश उत्पादन करता है, तो सबसे ज्यादा चावल प्रोड्यूसिंग कंट्री है चाइना। कौन सी है? चाइना सबसे ज्यादा टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है चावल की, और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? भारत। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात है, मुंह उठा के तुरंत आंसर मत क्या करो। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा चावल किस देश में उगाया जाता है, मतलब कितने एरिया पे, तो एरिया की दृष्टि से इंडिया में सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है। लेकिन प्रोडक्टिविटी की बात की जाए, प्रोडक्टिविटी कहाँ है? चाइना में सबसे ज्यादा है। सर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, यानी उत्पादकता क्या होती है? हिंदी में से उत्पादकता बोलते हैं। सर प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि एक हेक्टेयर भूमि में कितना चावल उत्पन्न होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो भारत में पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है चावल की कम है, चाइना में ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए चाइना में जो है ज़्यादा चावल उगता है। बहुत से रीजन हो सकते हैं इंडिया में, यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, समय समय पे आंधी तूफान बाढ़ आ जाना उसके कारण हो सकते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूँ स्टेट में, तो सबसे ज़्यादा वीट नहीं होना चाहिए था यहाँ पे होने चाहिए था सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा चावल। तो कौन उत्पादन करता है? यहाँ पे पैडी होगा, ठीक है, राइस होगा। सबसे ज़्यादा चावल कौन उत्पादन करता है? वो होता है वेस्ट बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करता है।
अगर प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी पंजाब की है। प्रोडक्टिविटी मतलब एक हेक्टेयर में ज्यादा फसल कहाँ होती है। अगर एक हेक्टेयर में आप पंजाब में भी फसल बो दो और एक हेक्टेयर में वेस्ट बंगाल में भी फसल बो दो, तो आप देखेंगे कि उतनी ही जमीन पे पंजाब में ज्यादा चावल उगेंगे जब यहाँ पे कम चावल उगेंगे। इसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं और प्रोडक्टिविटी में पंजाब टॉप में आता है। ऐसे ही इसमें भी है, जो गेहूं है गेहूं में प्रोडक्टिविटी में पंजाबी पहले नंबर पे आता है, एरिया में जो है यूपी आता है, उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत में सबसे ज्यादा जो अनाज खाया जाता है वो यही खाया जाता है। कौन सा? चावल खाया जाता है। ठीक है, और विश्व में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज है क्या? चावल। और सॉरी, भारत में क्या खाया जाता है सबसे ज्यादा? गेहूं। याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज गेहूं है, विश्व में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज कौन सा है? चावल है। ठीक है, धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। कोई पूछे कि धान की खेती में या धान की फसलों में कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है, जिसकी हेल्प से धान की जड़ों में क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। कोई पूछे कि धान में बौनेपन के लिए कौन सा जीन होता है? तो धान के लिए बौनेपन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? डी जी वो जो है धान में बौनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है। जबकि गेहूं में, अगर मैं वीट की बात करूं, तो वीट में बौनेपन के लिए नॉरिन 10, कौन सा? नॉरिन 10 जीन के कारण जो है वीट जो है बौनापन उसमें होता है। जबकि धान में बौनेपन के लिए DGW जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये याद रखना। सॉइल की बात की जाए तो सॉइल जो है धान की खेती के लिए, जो सॉइल की मैं बात करूं तो धान की खेती के लिए क्ले और लोम सॉइल यानी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। और पीएच वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो इसका जो पीएच है यानी धान की खेती का पीएच वो 5 से लेकर 6.5 तक होता है। तो आप कह सकते हैं कि स्लाइटली बहुत ही कम एसिडिक होता है। कितना होता है? एसिडिक होता है। जबकि वीट के लिए, गेहूं के लिए जो पीएच होता है वो करीब करीब 5 से लेकर 7.5 होता है। कई बुकों में 6 लिखा होगा, तो 6.5 भी होता है गेहूं के लिए और वीट के लिए इतना होता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वो फिलीपींस में है। कहाँ पे है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहाँ पे स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1960 में हुई थी। वैसे ही इंडिया में बात करूँ तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कटक यानी उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। कई बार ये भी पूछता है कि किस साल को जो है इंटरनेशनल राइस ईयर, अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में किस साल को मनाया गया था? तो वो है 2004 को, सन 2004 को जो है इंटरनेशनल राइस ईयर के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू की। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू देखते हैं कि इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट्स आप ऐसा कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसी में मिलता है। किसमें? अनाज। इसमें किसमें? पैडी में मिलता है, धान में मिलता है। ठीक है, जो धान होते हैं, जो अनाज होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का ही मेन सोर्स होते हैं। और जो इसमें है, किसमें? धान में जो है 78% जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फैट का परसेंटेज इसमें 2.2 से लेकर 5% के आसपास होता है। और प्रोटीन वो कितना होता है? 6 से लेकर 7% तक प्रोटीन इसमें पाया जाता है। इसकी एक ऐसी वैरायटी भी होती है इसमें करीब करीब 11% प्रोटीन भी मिलता है, तो वो भी देख लेना। ये ध्यान रखना कि सबसे कम प्रोटीन अनाजों में, ध्यान रखना, अनाज बोल रहा हूँ, अनाजों में धान में ही पाया जाता है। प्रोटीन सबसे कम प्रोटीन अनाजों में धान में ही पाया जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है? सबसे ज़्यादा मैंने कल बताया था कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो गेहूं में मिलता है। अनाजों की बात कर रहा हूँ मैं, अनाज की। ठीक है, कितना मिलता है गेहूं में? वो मिलता है 10 से लेकर 15% तक जो है वो मिलता है इसमें, गेहूं में प्रोटीन मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस अनाज में मिलता है? गेहूं में। और सबसे कम प्रोटीन किस अनाज में मिलता है? धान में मिलता है। ठीक है,
अनाज वाली सबसे फसलों में सबसे कम प्रोटीन धान में मिलता है, चावल में मिलता है, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है? व्हीट में मिलता है। 10 से लेकर 15% तक हो सकता है, तो देख लेना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। वैरायटीज़ की बात करो तो कौन कौन सी वैरायटी है इसकी, किसकी, धान की, चावल की, तो सबसे फेमस वैरायटी है TN1। क्या है? TN1 टी फॉर ताइवान। क्या है? ताइवान। तो TN1 विश्व की सबसे पहली बॉनी वैरायटी है, सबसे पहले बॉनी वैरायटी, टी का मतलब यहाँ पे ताइवान से है, तो TN1 है, और जिसका निर्माण ताइवान में हुआ है, ठीक है। तो ये विश्व की सबसे पहली बॉनी वैरायटी है। इसके बाद आप बात करो मैं IR8, IR का मतलब होता है इंडियन रिसर्च राइस रिसर्च, इसे IRRI ने डेवलप किया है, इंडियन रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया IR8 को। इसे मैजिकल राइस भी कहा जाता है, क्यों इसको मैजिकल राइस भी कहा जाता है, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। एक वैरायटी होती है धान की जया, क्या होती है जया, ये भारत की, ध्यान रखना ये भारत की सबसे पहली बौनी किस्म है, बौनी वैरायटी है, कौन सी, जया, जया ध्यान रखना, जया जो है धान की बौनी किस्म है। कैसे याद रखना है, जैसे आपने अमिताभ बच्चन की वाइफ का नाम क्या है, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन बड़े हैं, जया बच्चन छोटी है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये एक हाइब्रिड वैरायटी है, और किस किस के बीच की हाइब्रिडाइजेशन जब होता है, जब TN1 यानी ताइवान 1 और IR8 के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है, तब जाके जया नाम की जो है ये वैरायटी प्रोड्यूस होती है। ये भारत की सबसे पहली बौनी वैरायटी है, और पूरे विश्व की सबसे पहली बौनी वैरायटी जो है ताइवान 8 है। इसके अलावा साबरमती भी एक चावल की वैरायटी है, पूसा बासमती भी चावल की वैरायटी है, ठीक है, ये सब इसमें देख लेना। डिजीज़ की बात करूँ तो इसमें वैसे तो बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, लेकिन एक डिजीज़ बहुत ही फेमस है, उसे खैरा डिजीज़ कहा जाता है। कौन सी डिजीज़? धान का खैरा डिजीज़ बहुत बार पूछा गया है, और धान का जो खैरा डिजीज़ है वो जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। क्या होता है सर इसमें? इसमें होता ये कि धान की जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, उनमें जो है वो ब्राउन कलर की हो जाती है, उनमें रस्ट लगने लगता है। क्या लगने लगता है? रस्ट लगने लगता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।